हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल हरविंदर कौर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल कहाँ करें, कहाँ पे तो हमें हैज़ यूज़ करना होता है और कहाँ हमें हैव यूज़ करना होता है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो, बट आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। जब हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो जब हम वो हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तो हम उसके साथ हैव यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है सामने। तो अब यहाँ पे अ ट्री, तो मालूम चल रहा है कि ये सिंगुलर है, एक सिंगल ट्री की बात हो रही है या बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है। तो देखिए, जब मैं अ ट्री बोलती हूँ तो जाहिर सी बात है कि एक सिंगल ट्री की बात हो रही है। तो इसके साथ जब भी मैं अब मुझे हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, तो मैंने देख लिया कि मेरा ट्री तो सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकती हूँ, अ ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेस, है ना। तो अब स्कूल है, तो यहाँ पे एक स्कूल की बात हो रही है या बहुत सारे स्कूल्स की बात हो रही है, अब एक स्कूल की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो स्कूल क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा हैज़ लगेगा। द स्कूल हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर वो हमारा प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हमारा हैव लगता है, ठीक है। मान लीजिए द बॉयज़ हैव डन देयर वर्क। अब यहाँ पे हैव क्यों लगाया, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है जो बॉय सिंगुलर में आ जाता है और बॉयज़ प्लूरल में आ जाता है, तो हमने क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक है या एक से ज़्यादा है। जहाँ पे वो एक है वहाँ पे आप हैज़ लगाएंगे, जहाँ पे वो ज़्यादा है वहाँ पे आप हैव लगाएंगे। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको समझ में आया, ज़रूर आप बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।